सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स रिव्यू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दिस इज माय ईमेल आईडी एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज स्टर्नबर्ग्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। For further update, kindly join my Telegram group Explore Education. This video will be bilingual and this video will be useful for UGC NET, CTET, UPTET, KVS, NVS and other sort of teaching examinations. So before we start this topic, a quick review of what we have studied about intelligence till date. हम लोगों ने इंटेलिजेंस हिस्ट्री से शुरू किया था, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, देन कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, देन हम लोगों ने थ्योरी शुरू की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस की थ्योरी को मेनली दो भागों में बांटा गया, दो अप्रोचेस हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए, जिसमें से पहली जो साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें से साइकोमेट्रिक अप्रोच में हम लोगों ने कई थ्योरीज पढ़कर हमने वो टॉपिक खत्म कर लिया है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में भी एक थ्योरी हम कवर कर चुके थे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है। आज दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पिछले 10-15 साल में, रिसेंटली 10 साल में ज्यादा पॉपुलर हो गई है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं और थोड़ा सा इसमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो हमको कई चीजें इसमें याद रखनी है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपका रिकॉल से ही काम चलना है, तो हमको याद रहेगा तभी आप सही आंसर पर टिक लगा सकेंगे, और अगर आप थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तब तो आपको बढ़िया कंटेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब हैं कौन। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइकोमेट्रिशियन है, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोमेट्रिशियन, एंड ही इज प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ये ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोफेसर हैं। हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी इज द ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहां से हम ये समझ जाएंगे कि इस थ्योरी का नाम ट्राईआर्किक थ्योरी है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, जैसे क्रिएटिविटी पे काम है, विजडम पे काम है, और लव और हेट पर भी इन्होंने अपना व्यू पॉइंट हमारे संग शेयर किया है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्राईआर्किक थ्योरी पढ़ेंगे इनकी। और ये कितने इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि अ रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी सर्वे जो कि 2002 में पब्लिश हुआ, उसने रैंक्ड स्टर्नबर्ग एज द 60th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के 60 नंबर पे, मतलब सिर्फ 59 लोग इनसे ज्यादा साइट किए गए हैं आज तक, और ये हैं 60 नंबर पे इनका क्रम आता है जिसपे ये सबसे ज्यादा साइट किए जाते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि कितने ये पॉपुलर है, उनकी थ्योरी कितनी पढ़ी पढ़ाई जाती है। ओके, अब जानते हैं कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कैसे डिफाइन कर रहे हैं इंटेलिजेंस को, उससे हम थोड़ा व्यू पॉइंट इनका ले पाएंगे कि इन्होंने इंटेलिजेंस को किस रूप में देखा है। इतना तो हम समझ ही गए हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के तहत इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें हम ये जानेंगे कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे करता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति। यानी कि हमको प्रोसेसिंग पढ़नी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है इंटेलिजेंस का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस एज मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव एडेप्टेशन टू सेलेक्शन एंड शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट रेलेवेंट टू वंस लाइफ। मतलब इनके हिसाब से जो बुद्धि है वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि पर्पसिव एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन की बात कर रहे हैं, ये भी पर्पस की बात कर रहे हैं, पर रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को इन्होंने इंक्लूड किया है जिसको ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया था अपनी डेफिनेशन में, अपने व्यू पॉइंट में, अपने कंसेप्शन में। तो सिलेक्शन है और शेपिंग है, यानी कि एनवायरनमेंट को अपने अनुसार ढाल लेना है, बना लेना है, रेलेवेंट टू वंस लाइफ यानी कि आपका जो आपका जो लाइफ स्पेस है उसके हिसाब से आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सिलेक्ट भी करना है और शेप भी करना है। ओके,
फिर ही एग्रीड विद गार्डनर, चूंकि दोनों लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी है, ये तो मानते हैं गार्डनर की तरह ये भी कि इंटेलिजेंस इज मच ब्रॉडर देन ए सिंगल जनरल एबिलिटी जी, जैसे कि गार्डनर जी का विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ जी के हिसाब से नहीं हो सकती, मल्टीपल इंटेलिजेंसेज हैं, उसी तरह से ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस मच ब्रॉडर, बहुत बड़ा है कुछ उससे जी से, लेकिन ये कहते हैं कि गार्डनर ने जो कुछ इंटेलिजेंसेज के टाइप बताए हैं, ही सजेस्टेड दैट सम ऑफ गार्डनर्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर बेटर व्यूड एज इंडिविजुअल टैलेंट्स, पर ये कहते हैं कि जो बहुत सारी वो बता रहे हैं, जैसे क्या बता रहे हैं गार्डनर, लिंग्विस्टिक बता रहे हैं, म्यूजिकल बता रहे हैं, नेचुरलिस्टिक बता रहे हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, काइनेस्थेटिक, वो कह रहे हैं कि ये सब जहां तक उनकी हिसाब से, मतलब स्टर्नबर्ग के हिसाब से, ये एक इंडिविजुअल का टैलेंट ज्यादा लगता है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कम लगती है, तो ये उनका व्यू पॉइंट है, यहां वो डिफर करते हैं गार्डनर से, लेकिन कहां वो गार्डनर से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं कि यस इंटेलिजेंस इज मच ब्रॉडर देन जी। ओके, देन स्टर्नबर्ग्स कंसेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस इन मच ब्रॉडर वे, ठीक है, ही डिफाइंड इट इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, मतलब उनके लिए, स्टर्नबर्ग के लिए बुद्धि और सफलता दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम असफल हैं जीवन में, जैसा कि वो विरोध करते हैं कि बहुत सारे IQ टेस्ट, हम पे बहुत सारे IQ टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, हमारी IQ बहुत बढ़िया निकल कर आ रही है, लेकिन हम जीवन में असफल हैं, इसका मतलब कि वो बुद्धि का सही पैमाना नहीं है स्टर्नबर्ग के हिसाब से। वो कह रहे हैं कि बुद्धि वो होनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में अपने पर्सनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सक्सेसफुल तो हो सकें एंड विद इन वन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, और हमको सोसाइटी को और कल्चर को भी उन्होंने साथ में ले रखा है कि अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर में, अपने पर्सनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर व्यक्ति सफल है, सफलता को प्राप्त कर पा रहा है, तभी वो बुद्धिमान है। ओके, देन द एबिलिटी टू अचीव सक्सेस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू, किस पे डिपेंड करेगी एबिलिटी, टू कैपिटलाइज ऑन वन स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियों पे, एंड टू करेक्ट और कंपेंसेट फॉर वन वीकनेसेस, और जो हमारी कमियां हैं उसको हम सुधारेंगे। इसीलिए स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन को ट्रायार्किक थ्योरी तो का नाम तो है ही, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है, तो अगर पूछा जाएगा कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की बात कौन कर रहा है, तो हम स्टर्नबर्ग पे टिक लगाएंगे। ओके, तो ये पहली थ्योरी है जिसको तीन सब थ्योरीज में बांटा गया, इसके पहले किसी भी थ्योरी की सब थ्योरी नहीं थी, तो इनकी सब थ्योरी कौन कौन सी है, ये देखिए, ये कंपोनेंशियल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी और कंटेक्चुअल सब थ्योरी, इसके भी इन्होंने कंपोनेंट्स बताए, इसके भी बताए, इसके भी बताए, और इनके भी सब कंपोनेंट्स भी हैं, तो फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि तीन सब थ्योरी कौन कौन सी है, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल। दिस थ्योरी इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री सब थ्योरीज, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, सॉरी ये दो बार कंपोनेंशियल हो गया, एक कंटेक्चुअल होना चाहिए था, फिर ईच सब थ्योरी और जो प्रत्येक उप थ्योरी है, इनकी उप सिद्धांत है, उसको इन्होंने एक एक इंटेलिजेंस के संगत रखा है, इसीलिए ट्रायार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि तीन प्रकार की बुद्धि की ये बात कर रहे हैं, तो वहां पर बाद में जाएंगे, पहले इनकी सब थ्योरी को जानते हैं। तो ये जान लें कि कॉम्पोनेंशियल को इन्होंने कहा है किसके समतुल्य है, ये एनालिटिकल या एकेडमिक इंटेलिजेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी इनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के समतुल्य है, और कंटेक्चुअल सब थ्योरी से निकल के प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आ रही है। ओके, और कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी के सब पार्ट्स क्या है, मेटा कॉम्पोनेंट्स, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजिशन। एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी के पार्ट्स है नॉवेल्टी और ऑटोमेशन, और कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि एडेप्टेशन होगा, सिलेक्शन होगा और शेपिंग होगी। ओके, फिर हम एक कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी को उठाएं, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी क्या है, इट आउटलाइंस द स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म्स दैट अंडरलाई इंटेलिजेंट बिहेवियर, कैटेगराइज्ड एज मेटा कॉम्पोनेंट्स, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स एंड नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट्स। चूंकि कॉम्पोनेंशियल है तो इसमें कॉम्पोनेंट की बात की गई, कॉम्पोनेंट कौन कौन से, मेटा, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजिशन। फिर ये कॉम्पोनेंट कर क्या रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म दैट अंडरलाई इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी कि कोई भी इंटेलिजेंट बिहेवियर अगर कोई इंडिविजुअल शो करता है तो उसको ये तीन कॉम्पोनेंट की जरूरत पड़ती है, मेटा, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन। मेटा कॉम्पोनेंट्स में क्या करेगा, एक व्यक्ति रिकॉग्नाइज करेगा, फिर डिसाइड करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसके दिमाग में बनेगा, वो अपने मेंटल रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, मॉनिटर करेगा और इवेलुएट करेगा। मेटा कॉम्पोनेंट्स के बाद आ रहा है परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट, मैंने कि हायरार्की है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर नीचे लिखते हैं।
परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या होगा, एनकोडिंग की जाएगी कंपोनेंट्स की, आप उसमें कुछ कॉम्बिनेशन लगाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। फिर आएगा नॉलेज एक्विजिशन, उसमें क्या करेंगे आप कुछ सेलेक्ट करेंगे इनकोडिंग में कुछ कॉम्बिनेशन, फिर उसका बनाएंगे कंपैरिजन करेंगे और फिर हम अपना एक्ट करेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। इसी को और समझ लेते हैं, मेटा कॉम्पोनेंट्स में क्या है, मेटा कॉम्पोनेंट्स आर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस दैट डिटरमाइन विच परफॉर्मेंस एंड लर्निंग कॉम्पोनेंट्स विल बी यूज्ड एज वेल एज द सीक्वेंस इन विच दे विल बी यूज्ड। यानी कि मेटा कॉम्पोनेंट्स हायर ऑर्डर मतलब कि सबसे ऊपर आने वाली मानसिक प्रक्रिया है और ये तय करती है कि हम कौन सा परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट यूज करने वाले हैं और क्यों यूज करने वाले हैं, सीक्वेंस भी। फिर परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट क्या है, ये लोअर ऑर्डर प्रोसेस है और इसमें क्या होगा, इनकोडिंग कॉम्बिनेशन कंपेरिजन एंड रिस्पॉन्स, जो कि पिछले चित्र में आपको दिखाई दे रहा था। फिर नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट क्या है, ये भी लोअर ऑर्डर है और ये क्या डिस्कवर करता है कि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच हेल्प डिस्कवर वॉट नॉलेज, कौन सी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमको जरूरत पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट बिहेवियर है, इंटेलिजेंट बिहेवियर की जरूरत कब पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके सॉरी, तो स्टर्नबर्ग और डेविडसन ने तीन तरीके की सेलेक्टिविटी बताई है, ये है ना पिछले में, ये देखिए सेलेक्टिव इनकोडिंग, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, कंपैरिजन। तो सेलेक्टिव से मतलब क्या है, सेलेक्टिव से क्या मतलब है, सेलेक्टिव इनकोडिंग से मतलब है इन्वॉल्विंग सॉर्टिंग रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन छांटेंगे। सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, इन्वॉल्विंग कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को जोड़ना है, कैसे, फ्रॉम आइसोलेटेड पीसेस इंटू ए यूनिफाइड होल, यानी कि जो बिखरे हुए टुकड़े थे उनसे हम कुछ एकीकृत बनाएंगे जिसका कोई अर्थ हो। एंड सेलेक्टिव कंपेरिजन में क्या करेंगे, इन्वॉल्विंग कंपेरिजन ऑफ रिलेटिवली न्यूली एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द पास्ट, यानी कि हमने पुराने समय में पहले जो इन्फॉर्मेशन यूज की है और अभी जो नई कोई इन्फॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं उसका कंपैरिजन करते हैं। यानी कि इतने प्रकार की मेंटल प्रोसेसिंग चल रही है इन अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग जब हम कोई इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। ओके, देन आ जाता है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, जो कि किसके समतुल्य था, क्रिएटिविटी के। तो एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी में ये क्या कहते हैं, द एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी प्रपोजेस इंटेलिजेंट बिहेवियर कैन बी इंटरप्रेटेड अलोंग ए कंटिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉवेल टू हाईली फेमिलियर टास्क ए सिचुएशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट बिहेवियर यहाँ पे किस तरह से शो कर रहा है, जो कंटिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है, एक ही मतलब दो उसके क्या है, पोल्स हैं, जिसमें से एक पोल क्या है, नॉवेल, यानी कि एकदम नया कुछ हमको करना है तो अब हम कैसा बिहेव करते हैं, और एकदम हाईली फेमिलियर, मतलब हमको पता है रोज रोज ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हम इसमें इस तरह से शो करते हैं अपना बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज प्रेजेंटेड विद ए नोवेल और अनफेमिलियर प्रॉब्लम, यानी कि हमारे सामने कोई नई समस्या आई है, ऐसी समस्या जो अनफेमिलियर है, जिससे हमसे दो चार वो समस्या नहीं हुई है, तो दे नीड टू यूज देयर इंटेलिजेंस टू फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमको उसका कोई हल मिले। फिर क्या होगा, एज एन एक्सपीरियंस बिकम्स मोर एंड मोर फेमिलियर, यानी कि वो अनुभव फेमिलियर हो गया, रोज हमको वही अनुभव मिल रहा है, तो क्या करेगा, इट शिफ्ट फ्रॉम नॉवेल्टी टू ऑटोमेशन, यानी कि अब नवीनीकरण उसमें नहीं रह गया, वो क्या होगा, स्वतः हम उसका हल उसी तरीके से निकाल लेंगे। दिस दैट पीपल सॉरी यहाँ गलत हो गया लिखने में, दैट पीपल हैव कंप्लीटेड मैनी टाइम्स बिकम्स ऑटोमेटेड रिक्वायरिंग लेस कॉन्शियस थॉट, यानी कि बार बार हमारे सामने वही सिचुएशन आती है तो वो सिचुएशन अब हमारे लिए नॉवेल नहीं रह गई, अब हम अनकॉन्शियसली भी उसके रिएक्शन उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, फिर दिस सब थ्योरी रिलेट्स इंटेलिजेंस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट बिहेवियर्स आर इंटेलिजेंट एंड वेयर, यानी कि इससे ये पता चलता है कि जब हम बाहरी संसार में हैं तो कौन सा बिहेवियर हम इंटेलिजेंट वाला शो कर रहे हैं और कहाँ शो कर रहे हैं। फिर इट एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर इन ए गिवन सिचुएशन एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इन दैट टास्क या सिचुएशन। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस है जो हमको नॉवेल से ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहा है, इसलिए इसका नाम एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है। और ये क्या कह रही है कि according to it, people are creatively intelligent to the extent that they can cope with relative novelty and automatize routine aspects of tasks so as to devote more resources to novel stimuli in their environment. मतलब क्या कि people जो हैं, लोग हैं, वो creatively intelligent हैं,
उस सीमा तक जहां तक वो कोप अप कर पाते हैं. कब? जब उनको कहां वो रिलेटिव नॉवेल सिचुएशन है, कैसे उनको ऑटोमेटाइज कराना है, कैसे जो उनके रिसोर्सेज हैं और एनवायरमेंट से वो, मतलब हमारा पूरा श्रेय, पूरा ध्येय, पूरा लक्ष्य किधर है कि हम नॉवेल से ऑटोमेटाइज हो जाए, यानी कि नई समस्याएं जो है वो हमारे लिए फेमिलियर हो जाए. क्यों? क्योंकि हम उतना एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उतना हम उसमें क्रिएटिविटी अपनी लगा रहे हैं. देन कंटेक्चुअल सब थ्योरी, जिसको कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा गया है. तो स्टर्नबर्ग के हिसाब से ये क्या है, इट डील्स विद द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अटेनिंग फिट टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको फिट हो जाना है, यानी अडेप्टेशन से मतलब है रियल वर्ल्ड में हमारे जैसी सिचुएशन है. मतलब प्रैक्टिकल आदमी किसको कहा जाता है कि जैसी सिचुएशन होगी वैसे रिएक्ट करेंगे, वैसे ही एक्ट करेंगे, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है. और अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इंटेलिजेंस होने का, इंटेलिजेंट होने का. और अभी तक की थेरीज या जो जी पे डिपेंडेंट करती है, जो आईक्यू टेस्ट है, वो कहीं हमसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के सवाल नहीं पूछते हैं. तो हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रखेंगे तभी सक्सेसफुल हो जाएंगे, हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग. जबकि पुरानी थेरीज इसके बारे में बात नहीं कर रही थी और ऐसे लोगों को अन इंटेलिजेंट करार दे रही थी. ओके, तो ये डिफरेंस है. इट स्टेट्स दैट अ पर्सन इंटेलिजेंस इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर डे टू डे एनवायरमेंट. भाई हमको जैसा हमारा रोजमर्रा का वातावरण है वो भी तो तय करेगा ना हम कितने बुद्धिमान है, हम उनके संग डील कर पा रहे हैं, हम जैसी सिचुएशन होती है वैसे एकदम टैक्टफुली एक्ट कर ले रहे हैं. तो कहा जाएगा ना कि हम इंटेलिजेंट है तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं. एंड इज बेस्ड ऑन देयर नीड टू अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट, यानी कि हम कितना जल्दी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं, अडेप्ट देयर एनवायरमेंट टू देम, और वातावरण को कैसे अडेप्ट करवा रहे हैं अपने प्रति, एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे वातावरण में से जो हम बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं वो अगर हम निकाल रहे हैं, देन वी आर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट इन अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग. और क्या कह रहे हैं, इट स्पेसिफाइज दैट इंटेलिजेंट बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इन्होंने सोसाइटी को, कल्चर को भी साथ में लेके चले इंटेलिजेंस की, जिसकी की बात पुराने साइकोलॉजिस्ट नहीं कर रहे थे. इन विच इट टेक्स प्लेस एंड इन्वॉल्व्स एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, सिलेक्शन ऑफ बेटर एनवायरमेंट्स एंड शेपिंग ऑफ द प्रेजेंट एनवायरमेंट, यानी हमको सेलेक्ट भी करना है, शेप भी करनी है उसकी अपने हिसाब से, जैसे अपनी आकृति उसके हिसाब से एनवायरमेंट को आकार दे देना है अपने हिसाब से. इट इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एवरी डे लाइफ बाई ड्रॉइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, जितनी हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जितना कौशल है, उससे हमको क्या करना है, अपने रोजमर्रा के जीवन को अनुकूलित कर लेना है अपने हिसाब से. देन थ्रू दी थ्री प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में कौन सी तीन प्रक्रियाएं चल रही है, शेपिंग, सिलेक्शन और फिट इन बनाना है, मतलब एडेप्ट करना है, शेप करना है और सेलेक्ट करना है. तो क्या होगा कि हम एनवायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट इन हो जाएंगे. देन अब आता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी सब थ्योरी अगर हम समझ जाएंगे तो इंटेलिजेंस भी समझ जाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके ही अकॉर्डिंग भी है. जैसे कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल या एकेडमिक कहा जा रहा है, और एक्सपीरियंशियल को क्रिएटिव कहा जा रहा है, कंटेक्चुअल को प्रैक्टिकल कहा जा रहा है. तो जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इसको कहते हैं बुक स्मार्ट, या आप इसको एकेडमिक इंटेलिजेंस कह रहे हैं ना, तो वहीं से समझ जाएंगे कि ये बुक स्मार्ट है. यानी कि अभी तक की आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस के टेस्ट सिर्फ एनालिटिकल इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे थे. पीपल हैविंग दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर ऑफन कॉल्ड एज बुक स्मार्ट्स. इट इज द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड एनालिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू जज द क्वालिटी ऑफ आइडियाज. यही जांचा जा रहा था आज तक. क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डील विद न्यू प्रॉब्लम्स एंड जनरेट इनोवेटिव आइडियाज एंड सॉल्यूशंस, यानी कि नई नई हमारे सामने समस्याएं आएंगे और उसका कितना नवीनीकरण, नवाचार के साथ सोल्यूशन निकाल सकते हैं. और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज नीडेड टू यूज द आइडियाज एंड देयर एनालिसिस इन एन इफेक्टिव वे इन वंस एवरी डे लाइफ. क्या फायदा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन हम रोजमर्रा की अपनी परेशानियों से सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है, उस बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है. इसलिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और इसको क्या कहा जाता है, ऑफन नोन एज स्ट्रीट स्मार्ट, यानी कि हम गली में कहीं भी निकल जाएंगे तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं. ठीक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस. इन्होंने बुक लिखी सॉरी सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, हाउ प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस डिटरमाइन सक्सेस. आई थिंक 95-97 की किताब है, मैंने देखिए इसमें मेंशन नहीं किया है.
रह गया मुझसे। फिर इन्होंने इस किताब में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिम सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इज मोर मल्टी फेसेटेड, यानी कि बहुत उसके मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा नहीं कि हम बस जी है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस है तो हमारा काम चल जाएगा और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, क्रिएटिविटी आएगी, एडेप्टेबिलिटी आएगी, प्रैक्टिकलिटी आएगी, इंटेलेक्चुअल रिस्क टेकिंग, मतलब बस रिस्क नहीं ले लेना है, बुद्धि से विचार से सोच के कैलकुलेशन के बाद रिस्क लेना है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड परसीवरेंस, तब कहा जाएगा कि हम सक्सेसफुल इंटेलिजेंस रखते हैं। He had said that to be successfully intelligent is to think well in three different ways. अगर हम तीन तरीके से बढ़िया सोच पा रहे हैं, एनालिटिकली, क्रिएटिवली एंड प्रैक्टिकली, देन वी आर सक्सेसफुली इंटेलिजेंट। Otherwise, only analytical intelligence is valued on tests and in the classroom. He also notes that intelligence is incremental. Our ability to learn grows with learning itself. मतलब क्या है इसका कि पहले के हम tests या धारणाएं क्या कहती थी कि intelligence है inborn है, उसमें हम कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, incremental है, जितना हम सीखते जाते हैं उतना हमारी सीखने के लिए ability भी बढ़ती जाती है। Sorry. तो लास्ट में क्या हम समराइज कर सकते हैं, वी कैन समराइज दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम अनुभवों से सीखें, टू रीजन वेल, सही हिसाब से तर्क करें, टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं उनको याद कर सकें, एंड टू कोप विद डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग, और रोजमर्रा के जीवन की जो मांगे हैं उनके संग अगर हम कोप अप कर पा रहे हैं तब हम बुद्धिमान हैं। Sternberg साहब ऐसा कह रहे हैं। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ ट्रायार्किक इंटेलिजेंस, एंड आई हैव ट्राइड दैट दिस टॉपिक विल बी अंडरस्टैंड टू यू ऑल। सो थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम स्कैन टू ज्वाइन दिस टाइप एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू get learning materials if you want, ask your query there and you can provide feedback to me too there. Okay, done from my side.